संबल के चंदोसी के बनियाखेड़ा विकासखंड के ग्राम गुमथल में लॉकडाउन के दूसरे दिन से शुरू हुई सामूहिक किचन का 74वें दिन हवन के साथ समापन किया गया। कोरोना वायरस के असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च के माह में जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की तो इसका सबसे ज्यादा असर गरीब असहाय और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा था। उस समय जनपद संबल की तहसील चंदोसी के बनियाखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत गुमथल के प्रधान विनय शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए अपने गांव के सरकारी स्कूल में सामूहिक किचन शुरू की, जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को खाना उपलब्ध कराया गया जो गरीब असहाय और दिहाड़ी मजदूर थे। एक गांव के लोगों को खाना उपलब्ध कराने की शुरुआत के बाद इस सामूहिक किचन से धीरे धीरे 67 गांवों के जरूरतमंद लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाने लगा। लॉकडाउन के दूसरे दिन से शुरू की गई इस सामूहिक किचन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को 74वें दिन तक बिना रुके खाना उपलब्ध कराया गया। आप कहाँ पे रहते हैं और क्या है गांव के? मैं ग्राम गुमथल का रहने वाला हूँ, किसी गुमथल गांव का मैं प्रधान हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पर 74 दिन तक अनवरत गरीब और असहाय लोगों के लिए यज्ञ चला जिसमें भोजन की व्यवस्था की गई लोगों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत ही स्वर्णिम अवसर था कि हम अपने भाइयों की सेवा में हमें आने का मौका मिला। आज 74वां दिन है, हमारे समस्त ग्रामवासियों आसपास के सभी संभ्रांत नागरिकों की जो है देख रेख में ये हमारी भोजन व्यवस्था आज पूर्ण हुई है। संत महात्माओं ने आदेश दिया था हमें कि हम निरंतर ऐसे जो समाज में किसी कारण से पिछड़ गए ऐसे भाइयों की हमारी उनकी हम फिक्र करें। उन्हीं के आदेश पर आज हम अपनी जो रसोई है उसको समाप्ति की उसको ले रहे हैं। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करनी है लॉकडाउन के दौरान? देखिए, ये गाँव मेरा अपना गाँव है, मैं एक एक परिवार की हर परिस्थिति से वाकिफ था। मुझे पता थी वो थैली में आटा लेकर आते हैं, उनकी फिक्र करना मेरा नैतिक कर्तव्य था। प्रेरणा मुझे क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनके दुख सुख में शरीक रहा हूँ, मैं उनकी जो अचानक जो लॉकडाउन की घोषणा हुई मैं उससे भलीभांति परिचित था। तो प्रेरणा के लिए यही कहेंगे कि उनकी जो उनकी परिस्थितियाँ जो थी उनसे मेरा परिचित होना मेरे यही मुझे उन पर तरस आया कि इनकी मेरे से। इस दौरान आपने कितने गांव के लोगों को कितने लोगों को भोजन कराया? यहाँ पहले दिन हमने अपने पूरे गांव को 10 सेक्टर में बांटा था, फिर अगले दिन हमने उसको 55 सेक्टर में बांट दिया, फिर हमारे पड़ोस में लगा हुआ चंदोसी शहर है वहाँ हमने अपनी टीम खड़ी करी IT सेल के द्वारा, फिर 55 सेक्टर में हमने चंदोसी को बांट दिया और आसपास के फिर अगले 5-6 दिन बाद हमने आसपास के लगभग 67 गांवों को हमने भोजन वितरण व्यवस्था की। करण जी, एक बात बताइए, आपने ये आपके मन में विचार आया आपको, आपने जनपद संबल में कि पहला भंडारा ऐसा है जो 74 दिन चला है, क्या था उसका आपके अंदर महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी, मुझे बहुत आप सबका भाइयों का संत महात्मा का आशीर्वाद था। मेरे जो अपने जीवन के जो अनुभव थे उनको मैंने आज राष्ट्र पे जब संकट का समय आया मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया और मैं उस एक्सपेरिमेंट में मैं 100% कामयाब रहा। शर्मा जी, एक बात बताइए, आपने जो भंडारा कराया है 74 दिन, काफ़ी संख्या में लोगों ने खाना खाया है, इसमें आपने कैसे चंदा लिया था या अपने पास ही करा था? देखिए, हमने किसी के आगे कोई भी अपना प्रपोजल नहीं रखा था, फिर भी समाज में बहुत ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने बिना हमारे जो है कहे उसमें विभिन्न प्रकार से सहयोग दिया, और यदि मैं जो है उनका सहयोग नहीं स्वीकारता तो ये हो जाता कि वो मैं अपना निजी अपने यश के लिए काम कर रहा हूँ। उन कुछ लोगों ने, मेरे स्थानीय लोग थे, चंदोसी के लोग थे, जिन्होंने जैसी उनकी क्षमता थी उन्होंने सहयोग किया। हम सब ये जो संपन्न जो कार्यक्रम हुआ है सबके सहयोग से हुआ है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं इतने बड़े। आगे जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लॉकडाउन के दौरान? देखिए, लॉकडाउन एक हमें संदेश देकर गया है कि हम परिस्थिति में, परेशानी में, विपत्ति में अपने लोगों के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये कोरोना का संकट तो टल गया लेकिन ये हमको एक नया संदेश छोड़ कर गया है कि हम अपने लोगों की जब हम ही फिक्र नहीं करेंगे, राजनीति में हम काम कर रहे हैं तो फिर इनकी फिक्र कौन करेगा। ये इसका संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि ये जो अपने जो भाई हैं यही हमारी संपत्ति हैं, ये हमारे जो रिश्तेदार हैं जो मिलने वाले हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम भविष्य में जैसे भी अपनी सामर्थ्य अपने सबके साथ लगे रहें।